तो अगली बार आपके पास अगर कोई आए और आपसे कहे कि मैं शिवाजी महाराज की को मानता हूं, तो आप उससे पूछिए, आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, मगर क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान के संस्थाओं को बचाते हो? क्या आप हिंदुस्तान में गरीबों की रक्षा करते हो? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर मूर्ति के सामने जाकर हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं। दिल में बात होनी चाहिए, दिल के अंदर सोच होनी चाहिए। बाहर कोई भी कुछ दिखा दे उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराष्ट्र के लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह सुनते समझते हैं। यह जो विचारधारा है, मैंने कहा कि शिवाजी महाराज की विचारधारा है, मगर शिवाजी महाराज को यह विचारधारा कहां से आई? महाराष्ट्र से आई, महाराष्ट्र की धरती से आई, महाराष्ट्र की जनता से आई, और यह आपके खून में है। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं मुझे यह दिखाई देती है आपके चेहरों में, आपके कर्मों में, आपके दिल में। हर रोज शिवाजी महाराज दिखाई देते हैं, उनकी सोच दिखाई देती है, और आप लड़ते हो इसके लिए। आपने मुझे यहां बुलाया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, गर्मी में आप खड़े हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपका काम शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करने का है, आपका काम संविधान को बचाने का है, इसकी रक्षा करने का है। क्योंकि जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप शिवाजी महाराज की याद का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं।